ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन किया गया। इसी कड़ी में नामांकन के दौरान प्रत्याशियों में जमकर विवाद हो गया। आपको बता दें कि टीवी स्क्रीन पर आप अब अलग अलग जगह की तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर नामांकन के दौरान लोग लड़ाई करते देखे गए। तो पहली तस्वीर आप उन्नाव से देख रहे हैं, दूसरी रायबरेली, तीसरी अयोध्या, चौथी हरदोई, पांचवी सीतापुर और छठी ललितपुर से आप ये तमाम जगहों की तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर नामांकन के दौरान दोनों दलों के प्रत्याशी यानी कि बीजेपी, सपा और कई जगह पे अन्य जो भी दो दल वहां पर नामांकन भरने आए थे उनको लेकर ये बवाल हुआ, उनके समर्थक आपस में भिड़ गए। हालांकि इस तरह की जब चुनाव आते हैं और नामांकन प्रक्रिया होती है तो इस तरह का डर बना रहता है, इसीलिए पुलिस बल को तैनात किया जाता है, भारी पुलिस बल, पीएससी बल को तैनात किया जाता है, ताकि इस तरह का जो कृत्य है वो ना हो पाए। लेकिन एक बार फिर आज बीडीसी चुनाव के लिए नामांकन की आज अंतिम दिन था, 3 बजे तक नामांकन होना था। इसको लेकर तमाम जो दल थे वो अपने अपने प्रत्याशियों के साथ नामांकन पत्र भरने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान अब तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, लाठी डंडे चलने तक की नौबत आ गई। हालांकि गाली गलौज, लाठी डंडे, गोलियां तक बरसाई गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं उन्नाव, रायबरेली, अयोध्या, हरदोई, सीतापुर, ललितपुर की, कि आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, हाथों में ईंट पत्थर लिए भी आपस में प्रत्याशी भिड़ गए। हालांकि इस दौरान पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और लगातार शांत करवाया जा रहा है। नामांकन के दौरान इस तरह, तो नामांकन के समय ये बवाल हुआ। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी, जिस दौरान दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। उन्नाव, रायबरेली, अयोध्या, हरदोई, सीतापुर, ललितपुर में तमाम ब्लॉकों पर नामांकन भरने पहुंचे प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थक भी पहुंचे और किसी ना किसी बात को लेकर इन समर्थकों के बीच आपस में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत बवाल में तब्दील हो गई। स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अभी भी कई जगहों पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है क्योंकि कई प्रत्याशी धरने पर भी बैठे हुए हैं। सपा प्रत्याशी अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, जिनकी मांग है कि उनका नामांकन नहीं दाखिल किया जा रहा है। कई जगहों पर अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है, कई जगहों पर सामान्य हो गई है, लेकिन आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन के दौरान की तस्वीरें हैं, जहां पर इस तरह का बवाल हुआ। तो लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान इस तरह का आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि कैसे दो प्रत्याशी आपस में और प्रत्याशी के समर्थक भी भिड़ गए, जिस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने तमाम लोगों को शांत कराने का पूर्ण प्रयास किया है। भारी पुलिस बल और पीएससी को तैनात किया गया। तो ब्लॉक प्रमुख के लिए नामांकन हुआ। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन था। इस दौरान बीडीसी चुनाव में खड़े हुए प्रत्याशी के साथ उनके समर्थक भी पहुंचे। तस्वीरें देख सकते हैं आप, लाठी डंडे चलने तक की नौबत आ गई। वहीं इस वक्त हमारे साथ हरदोई से गुलफाम जुड़ चुके हैं लाइव। गुलफाम, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार हम हरदोई की तस्वीरें भी जनता को दिखा रहे हैं कि किस तरह से बवाल की स्थिति एकाएक उत्पन्न हो गई, क्या मामला रहा? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरीके से पूरे यूपी में जिला ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि आरोप प्रत्यारोप का भी काम आसानी से चल रहा है। एक दूसरे पे पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि नामांकन को लेकर आज आखिरी तारीख है और नामांकन कराने को लेकर सपा की तरफ से लगातार आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव, अधिकारियों के ऊपर सत्ता के दबाव बनाई हुई है, कहीं ना कहीं अधिकारियों को इस तरीके से टॉर्चर कर रही है कि वो सपा के नाम का
उम्मीदवारों का नामकरण ना करा पाए। तो कहीं ना कहीं ये एक उठा उठा पटक चल रही है बीजेपी और सपा के बीच में कि कहीं पर आरोप प्रत्यारोप का भी कार्य कार्य पूरा चल रहा है। आपको बता दूं कि हरदोई में ब्लॉक शाहबाद में और सांडी में ब्लॉक में कहीं ना कहीं सपा की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि वो उनके उम्मीदवारों को नामकरण भरने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही सपा का आरोप है कि पूरा सिस्टम चाहे पुलिस का हो चाहे प्रशासन का हो बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है, सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहा है और सपा को सपा के उम्मीदवारों को टॉर्चर कर रहा है। जी गुलफाम, अभी क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं, क्या अभी भी प्रदर्शन जारी है सपा कार्यकर्ताओं का? जी बिल्कुल, आपको बता दूं सांडी में अभी भी नोकझोंक चालू है जारी है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भारी मौजूदगी है, बीजेपी के उम्मीदवारों पार्टी के लोगों की भारी मौजूदगी है, कहीं ना कहीं सपा के जितने भी पदाधिकारी है उनकी सारी मौजूदगी है। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का पूरा मामला चला आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी सपा ने आरोप लगाया है प्रशासन के ऊपर लगाया है, बीजेपी की पार्टी के ऊपर लगाया है कि उनके उन दबाव में आकर जितने भी पुलिस प्रशासन है काम कर रही है और कहीं ना कहीं सपा के जो उम्मीदवार है उनका नामकरण भरने नहीं दिया जा रहा है जिससे कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो निर्विरोध चुन लिए जाए। जी तो ये आरोप सीधे तौर पर, यानी कि आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सपा के प्रत्याशी जो वहां पर नामांकन भरने पहुंचे थे वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी को निर्विरोध जिताने के लिए उनका नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया जा रहा है। क्या आपने वहां के अधिकारियों से पूछने की कोशिश की कि क्या इस तरह का कृत्य किया जा रहा है, नामांकन क्यों नहीं दाखिल किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कल जिस तरीके से शाहबाद ब्लॉक में सपा के उम्मीदवार अपना पर्चा लेने के लिए गए थे, दाखिल करने के लिए गए थे, पर्चा भरने के लिए नामांकन पत्र लेने के लिए गए थे, तो उनको कहीं ना कहीं वीडियो और कहीं ना कहीं पुलिस लोकल पुलिस उनके ऊपर दबाव बना रही थी कि आपको पर्चा नहीं मिल पाएगा। साथ ही आपको बता दूं कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम बीजेपी के दबाव में है, कहीं ना कहीं पूरा पुलिस प्रशासन बीजेपी के दबाव में है कि अपने कैंडिडेट को निर्विरोध चुनवाने के लिए। तो कहीं ना कहीं सपा भी आरोप खुलकर आरोप लगा रही है बीजेपी पार्टी के पदाधिकारियों के ऊपर, साथ ही सपा के कार्यकर्ता हैं, सपा के पदाधिकारी हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर, एसपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वीडियो के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लोकल कोतवाल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनको दबाव बनाया जा रहा है, उनका नामांकन पत्र ना भरा जाए और किसी ना किसी तरीके से वो बीजेपी जो पॉलिटिकल सिस्टम चला आ रहा है, जो पूरा सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं सपा पूरा आरोप लगा रही है पुलिस प्रशासन के ऊपर कि उनके ऊपर दबाव बना के निर्विरोध चुनवाने का कैंडिडेट के दबाव बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गुलफाम, आप अपनी नजरें इस तमाम खबर पे बनाए रखिएगा क्योंकि सपा का प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी है। आप हरदोई से खबर देख रहे थे जहां पर नामांकन को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, हालांकि सपा का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी के प्रत्याशी को निर्विरोध जिताने के लिए ही उनका नामांकन नहीं भरा जा रहा है, जिसको लेकर अभी भी सपा के प्रत्याशी और उनके समर्थक धरने पर बैठे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, हम आपको 6 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लगातार आज ब्लॉक प्रमुख का नामांकन हो रहा था, उसको लेकर प्रत्याशी पहुंच रहे थे, वहां पर कई तस्वीरें ऐसी भी आई जहां पर गोलियां चलने तक की नौबत आ गई, इतना आपस में विवाद हो गया कई जगहों पर कि पुलिस को भारी पुलिस तैनात होनी पड़ी, लाठी चार्ज करना पड़ा, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया और कई लोग घायल भी हुए हैं। धर्मवीर भी, आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां का प्रत्याशी धर्मवीर काफी घायल हुआ था और उसके बाद उनकी लगातार सुरक्षा की मांग को लेकर भी तनावपूर्ण स्थिति यानी कि आज दिन भर बनी रही ब्लॉकों पर लगातार कोरोना के चलते, कोरोना गाइडलाइंस की भी किस कदर धज्जियां उड़ाई गई आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हालांकि जहां एक और आशंका तीसरी लहर की है वहां इस तरह की तस्वीरें और ज्यादा चिंता बढ़ा देती है, तनाव बढ़ा देती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग हाथों में ईंट पत्थर लिए बवाल करते नजर आए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वही इस बीच आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उस पर एक नजर डाल लें। बिनाहट में ब्लॉक प्रमुख चुनावी आवास, पुलिस पर लगा मारपीट का आरोप, ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के भाई ने लगाया आरोप, समर्थक और भाजपा कार्यकर्ताओं में उबाल, स्कूल में भीड़ देखकर पहुंची थी पुलिस।
तो पिनाहत में ब्लॉक प्रमुख चुनावी मामला हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के भाई ने लगाया ये आरोप। समर्थक और भाजपा कार्यकर्ताओं में उबाल। स्कूल में भीड़ देखकर पहुंची थी पुलिस। पुलिस की तरफ से बयान आया कि भीड़ देखकर वो पहुंची थी, और हालांकि प्रत्याशी का कहना है, उनके भाई का, कि पुलिस के द्वारा मारपीट की गई, जिसके बाद भाजपा के समर्थकों में उबाल आ गया। पिनाहत में ब्लॉक प्रमुख चुनावी मामला, बड़ी खबर हम आपको अभी आगरा से दिखा रहे, तस्वीरें देख सकते हैं आप। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। मैं इस खबर पर ममता मायसा जुड़ चुकी है। ममता, समर्थकों का आरोप है कि पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया, पुलिस ने उनको उनके साथ मारपीट की। वहीं पुलिस का ये कहना है कि भीड़ देख के वो स्कूल में पहुंची थी। क्या स्थिति है इस वक्त? जी बिल्कुल कीर्ति, मैं आपको बता दूं कि ये जो आरोप है वो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि जब उस स्कूल में जहां ब्लॉक प्रमुख का चुनाव का जो कार्यक्रम चल रहा था, वहां भीड़ काफी मात्रा में थी। कोरोना को देखते हुए पुलिस ने थोड़ा हल्के बल का प्रयोग करते हुए वहां से भीड़ को हटाना चाहा। इसी को लेकर के वहां जो बीजेपी के जो विधायक है वो आग बबूले हो गए, और इसी को लेकर उन्होंने ये सब रणनीति बनाई। अभी क्या स्थिति देख पा रहे हैं? क्या अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है या मामला शांत हो गया है? ममता, फिलहाल स्थिति अब शांत हो गया है, मामला तनावपूर्ण इतना ज्यादा नहीं था। थोड़ी सी कुछ कहा सुनी होने के बाद में ही उसके बाद में मामले को रफा दफा कर दिया गया है पुलिस के द्वारा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ममता जुड़ने के लिए। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, नामांकन प्रक्रिया के दौरान बीजेपी सपा कार्यकर्ताओं में मारपीट। सपा प्रत्याशी ज्ञानेंद्र यादव के साथ जमकर की गई मारपीट। प्रत्याशी का आरोप, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की गुंडई। सपा प्रत्याशी का नामांकन पर्चा छीनने का किया गया प्रयास। कानपुर देहात से बड़ी खबर, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने संभाला मोर्चा। राजपुर विकासखंड कार्यालय परिसर का मामला। तो ब्लॉक प्रमुख को लेकर सुबह से ही नामांकन प्रक्रिया चालू है, उस बीच विवादों की खबरें भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। कानपुर देहात से भी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से सपा प्रत्याशी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और पर्चा छीनने का आरोप लगाया सपा प्रत्याशी ने, ताकि बीजेपी निर्विरोध जीत सके। वही कानपुर देहात से तस्लीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तस्लीम, लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये देखा भी जा सकता है कि किस तरह से विवाद कितना बढ़ गया। हालांकि हम ये भी देख सकते हैं कि सपा प्रत्याशियों की तरफ से भी मारपीट की जा रही है। क्या अभी क्या कुछ स्थिति देख पा रहे हैं आप? जी कीर्ति, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कानपुर देहात के विकासखंड राजपुर का पूरा मामला है, जहां पर आज 8 तारीख को ये नामांकन दाखिल होना है ब्लॉक प्रमुखों के, 9 तारीख को वापसी लिए जाएगा, 10 तारीख को चुनाव भी होना है। तो आज नामांकन के दौरान सपा जो प्रत्याशी हैं उन्होंने, ज्ञानेंद्र यादव नामांकन के लिए जा रहे थे तभी उनका आरोप है कि वहां पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने दाखिल करने से पहले उनके साथ मारपीट की। मारपीट के साथ उनको जो नामांकन पत्र लिए थे उसको फाड़ने का प्रयास किया है। जैसे कि प्रयास के तुरंत मौके पर पुलिस फोर्स पहुंचा है, पुलिस फोर्स पहुंचने के बाद कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। तस्लीम जुड़ने के लिए। तो लगातार ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर बवाल मचा हुआ है और इसी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद से लगातार इस तरह की कृत्य किए गए, जिस पर पुलिस बल को पहले से तैयार किया जाता है, क्योंकि लगातार ये आशंका बने रहती है कि दलों के बीच मारपीट की स्थिति और बवाल और साथ ही साथ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो हमने ये आपको तस्वीरें दिखाई अयोध्या, हरदोई, सीतापुर और ललितपुर समेत कई और जिलों के, जहां पर किस तरह से आज नामांकन के दौरान स्थिति बिगड़ी और पुलिस ने मोर्चा संभाला। फिलहाल के लिए रुकेंगे और जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।